आज बनाएंगे हम मिक्स वेजिटेबल मशरूम सब्जी। तो यहाँ पर मैंने मशरूम को छोटे छोटे पीस में काट लिया है और यहाँ पर मैंने आलू, मटर, शिमला मिर्च, कैरेट और कॉर्न लिया है। थोड़े से बोले तो 250 ग्राम तक लगभग होगा। जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्ची, हल्दी और राई। तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल गर्म होगा तब तक हम लहसुन और हरी मिर्ची को कूट देंगे। तो यहाँ लहसुन और हरी मिर्ची मैं कूट रही हूँ और कूट के अभी तो 1 चम्मच राई और जीरा छौंक के लिए और राई तड़क गई है तो अब उसमें मैं डाल रही हूँ लहसुन और हरी मिर्ची जो कूटी थी वो। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसे भून लिया। अब इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। तो अब प्याज भून रही हूँ इसमें, सिर्फ लगभग थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा प्याज का तब तक इसे भूनूंगी। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम टमाटर कट कर देते हैं यहाँ पे। तो प्याज हमारा भुन गया है, अभी इसमें डाल रही हूँ मैं छोटे वो जो काटी हूँ मशरूम वो। 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर रही हूँ। तो ये हमारे अभी फ्राई हो चुके हैं। अभी इसी के साथ में मैं मिक्स वेजिटेबल जो कट करी हूँ वो डाल रही हूँ। इसे अच्छे से फ्राई करूंगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये हमारी अभी फ्राई हो गई है, अब इसमें मसाले डालते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, अकॉर्डिंग नमक। अभी अच्छे से इसे मिक्स करना। मसाले सारे फ्राई हो गए हैं, अब इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर कटे हुए। टमाटर को मिक्स कर रही हूँ अभी। तो ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ जो मैंने लहसुन और मिर्ची कूटी थी उसमें मिला था, और 1/2 चम्मच सब्जी मसाला। इसको भी मिक्स कर देती हूँ, फिर ढक्कन देके 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देती हूँ। तब हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं कि हमारी कैसी सब्जी बनी। तो गाइस सब्जी हमारी रेडी है, तैयार हो गई है। तो आप भी देख सकते हैं आलू भी हमारा कट रहा है। डाल रहे हैं धनिया खुद डालकर फिर एक बार मिक्स कर देंगे और हमारी सब्जी है तैयार। तो साथ ही साथ गरम गरम फुलके बन रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी सब्जी बनकर रेडी हो गई है। साफ गाइस कमेंट में ज़रूर बताना आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।